नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लावा ब्लेज एक्स 5G वर्सेस ओप्पो A59 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ब्लेज एक्स में 6.39 इंच जबकि ओप्पो A59 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो ब्लेज एक्स में 2.91 इंच जबकि ओप्पो A59 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो ब्लेज एक्स में 0.33 इंच जबकि ओप्पो A59 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो ब्लेज एक्स में 183 ग्राम जबकि ओप्पो A59 5G में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो ब्लेज एक्स में एमोलेड जबकि ओप्पो A59 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ब्लेज एक्स में 6.67 इंचेस जबकि ओप्पो A59 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन ब्लेज एक्स में 1080x2400px FHD+ और ओप्पो A59 5G में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ब्लेज एक्स में 89.56% जबकि ओप्पो A59 5G में 84.46% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो ब्लेज एक्स में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि ओप्पो A59 5G में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ब्लेज एक्स में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और ओप्पो A59 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ब्लेज एक्स में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और ओप्पो A59 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ब्लेज एक्स में मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 और ओप्पो A59 5G में मीडिया टेक डायमेंसिटी 6020 मिलता है। बात करें रैम की तो ब्लेज एक्स में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की रैम मिलती है, जबकि ओप्पो A59 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो ब्लेज एक्स में नहीं है, जबकि ओप्पो A59 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ब्लेज एक्स में एंड्रॉइड V14 जबकि ओप्पो A59 5G में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ब्लेज एक्स में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें ओप्पो F59 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो लावा ब्लेज एक्स 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो F59 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में ब्लेज एक्स आगे है, मेन कैमरा में ब्लेज एक्स आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो F59 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Realme Narzo N65 5G है, तीसरा Tecno Camon 35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।